माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री सतपाल महाराज सदस्य विधानसभा, श्री प्रेमचंद अग्रवाल सदस्य विधानसभा, श्री गणेश जोशी सदस्य विधानसभा, डॉक्टर धन सिंह रावत सदस्य विधानसभा, श्री सुबोध उनियाल सदस्य विधानसभा, श्रीमती रेखा आर्या सदस्य विधानसभा, श्री चंदन रामदास सदस्य विधानसभा, श्री सौरभ बहुगुणा सदस्य विधानसभा। अब श्री सत्यपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपयद। अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानम प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धारयसि तथा भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च अक्षुणाम रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रीद्वयेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकम् शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्षयामि तथा सर्वविधि लोकान प्रति भीतिम पक्षपातम वा रागम द्वेषम वा विहाय यथा संविधानम यथा विधि च न्याय आचारस्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नामना शपे यत कमपि विषयम् यह उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनयेत मया परिज्ञातः वा भवेत् कमपि जनम कान आपि जनान वा प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यद अपेक्षिताम सयात तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण वा नहीं संसूचि यस्यामि नवा प्रकट करिष्यामि। धन्यवाद। श्री गणेश जोशी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सही प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्य कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी।
मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री चंदन रामदास कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन राम दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सौरभ बहुगुणा कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में, उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।